नमस्कार बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं नौवीं कक्षा का हिंदी विषय। इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं उनका हिंदी विषय हम आज देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। आज का जो लेसन हमारा है उसका नाम है बिल्ली का लंगूड़ा। इसके जो रचनाकार है उस रचनाकार का नाम है राजेंद्र लाल हंडा। इससे पहले हमने एक कविता भी देखी है चांदनी रात, वो आपके तो समझ में आई होगी। अभी जो दूसरा लेसन है उसका नाम क्या है, बिल्ली का बिलंगूड़ा। अभी इस पाठ का हम परिचय देखेंगे, इस लेखक का परिचय देखेंगे। राजेंद्र लाल हंडा जी एक जाने माने कथाकार हैं। आपकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती है। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं को उद्घाटित करती है। अभी ये जो गद्य है वो एक हास्य कहानी है। देखो, जीवन की किसी घटना का रोचक प्रवाही वर्णन कहानी होती है। इसमें किसी सत्य का उद्घाटन होता है। हास्य कहानी में इसे हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हंडा जी ने हास्य के माध्यम से गलत फहमी के कारण उत्पन्न विशेष स्थितियों का वर्णन किया है। अभी ये जो लेसन है उसका नाम पढ़कर आपको समझ में ही आया होगा कि ये जो पूरा लेसन है, ये पूरा जो पाठ है, ये बिल्ली के ऊपर है। अभी बिल्ली जब घर में आती है तब उसके बाद क्या मतलब हास्य होता है, ऐसे कुछ प्रसंग है जो हंसी के कारण बनते हैं। देखो, क्या हर कोई मनुष्य जो होता है उनको पशु या प्राणी पालने का शौक रहता है। कोई कुत्ता पालता है, कोई बिल्ली पालता है, कोई गाय बैल घोड़ा अपने शौक पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, प्राणी पालने की कोशिश करते हैं। अभी ये जो गाय और बैल है वो कृषक जो होते हैं उनके परिवार में उनको ज्यादातर पाला जाता है काम के लिए, खेती बाड़ी करने के लिए। अभी ये जो बिल्ली है, कुत्ते हैं, वो कैसे होते हैं, ईमानदारी से काम करने वाले होते हैं। अभी ये जो बिल्ली है कोई उनके घर में शौक नहीं था। ये जो लेखक है राजेंद्र लाल हंडा, उनको कोई शौक नहीं था बिल्ली पालने का, लेकिन मजबूरी में उन्हें अपने घर में बिल्ली लानी पड़ी। क्यों लानी पड़ी ये हम इन पाठ में हम देखने वाले हैं। हम पाठ पढ़ेंगे। पहले एक समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था। देखो, पहले जमाने में जो बिल्ली थी उसे अशुभ माना जाता था, परंतु आजकल की स्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घबरे में पड़ गई है। अभी आजकल जो स्थिति है, क्योंकि पहले के जमाने में लोगों के ऊपर अंधश्रद्धा का भी प्रभाव पड़ा हुआ था, इसीलिए बिल्ली का रास्ते से रास्ता काटना ये अशुभ माना जाता था, या बिल्ली घर में रखना ये भी अशुभ माना जाता था। बाद में क्या हुआ, समय बीतता चला गया और आहिस्ता आहिस्ता लोगों में ज्ञान का भी प्रसार हुआ। इसीलिए लोगों को समझ में आया कि भाई बिल्ली जैसे जो प्राणी होते हैं वो पालना अशुभ नहीं होता, उनका उनके अपने घर में रखने से कोई नुकसान नहीं होता। ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों के बात समझ में आई। अभी ये जो लेखक है, अभी इस लेखक ने भी यही किया। देखो, आज की जो परिस्थिति है वो पुरानी ख्याल से बहुत आगे बढ़ी है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। अभी ये जो लेखक है राजेंद्र लाल हंडा, उसके घर में बहुत सारे चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुत तरह प्रयत्न किए गए पर हमारी एक न चली। ये जो चूहे होते हैं, देखो हमारे भी घर में कभी कभार चूहे आ जाते हैं, बहुत सारे चूहे, वो क्या करते हैं, बहुत हमारा नुकसान करते हैं। ये जो लेखक है, लेखक के घर में ही ऐसे ही चूहे की संख्या
बहुत हो गई थी। अभी उस चूहों को भगाने की कोशिश बहुत प्रयत्न किए थे, लेकिन उनकी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए। देखो क्या करते थे चूहे, अनाज खराब करते थे, धान खराब करते थे। इसलिए लेखक के घर में जो परिवार वाले थे उन्होंने क्या किया, अनाज की अच्छे तरह से देखभाल करने के लिए, अनाज ऐसे सुरक्षित रहने के लिए अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए ताकि उसमें अनाज सुरक्षित रहे। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा। कारगर मतलब उपयोगी, प्रभावी, कारगर। कारगर का मतलब है प्रभावी या उपयोगी। देखो यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, परंतु आग बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। देखो ये तो चूहे हैं, ये क्या करते हैं कि जो अनाज की बोरियां होती है, अनाज के ढोल होते हैं, वो कुतर लेने की कोशिश करते हैं, कुतरते हैं, उनमें ऐसे छोटे छोटे जो गड्ढे होते हैं वो निकाल कर उसे अनाज बाहर निकालकर वो उसे खराब कर देते थे। इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया। परामर्श का अर्थ है सलाह। परामर्श मतलब परामर्श का मतलब है सलाह। आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। अभी ये जो समस्या है लेकर कि घर में बहुत चूहे हैं, तो अनाज का बहुत नुकसान कर रहे हैं, इसलिए उसने अपनी परेशानी जो है वो मित्रों से शेयर की। तब मित्रों ने जाकर उसे क्या कहा, एक तुम घर में बिल्ली लाओ, बिल्ली लोग देखो उस चूहे का कैसे सफाया करती है। इस प्रस्ताव को उसने अपने घर के सामने परिवार सदस्य के सामने रखा, तो सदस्य ने भी हामी भर दी इस प्रस्ताव के लिए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी। आपत्ति मतलब ऐतराज। आपत्ति का मतलब है ऐतराज। अभी ये जो उसके दिमाग में चल रहा था कि घर में बिल्ली लाई जाए, बिल्ली पालना उसका शौक था, नहीं बिल्ली वो काम के लिए लाना चाहता था। अपने घर में आकर उसने क्या किया, अपने परिवारों के सामने ये बात रखी, तो परिवारों को भी कोई ऐतराज नहीं था, सब लोगों ने हामी भर दी इस बात के लिए। चुनांचे बिल्ली लाई गई। चुनांचे का मतलब है इसलिए। चुनांचे का मतलब है इसलिए। चुनांचे बिल्ली लाई गई, उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते, उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। अभी देखो उनके घर में बिल्ली आई तो बड़े मजे से उसका स्वागत किया और उसको लाड प्यार भी करने लगे। जो परिवार वाले सदस्य थे उसे उनको भी वो बिल्ली प्यारी लगी, क्योंकि उनकी समस्या जो है वो हल होने वाली है। क्यों ऐसा वो करने लगे, क्योंकि वो समस्या उनकी भागने वाली है, दूर जाने वाली है। इसीलिए जो घर के छोटे बच्चे हैं वो क्या करने लगे, उस बिल्ली को दूध पिलाने लगे, कुछ रोटी देने लगे, सब उसका ख्याल रखने लगे। अभी ये जो बिल्ली है वे विधि पूर्वक से उसने क्या किया है कि उस चूहों का उसने सफाया करने की कोशिश की है, सफाया करना चालू किया है। सब लोग बहुत आनंद ही आनंद महसूस कर रहे थे, खुश थे। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्रायः सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती, इसलिए हमें
इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। अभी ये जो सदस्य वाले थे, सदस्य वाले ने क्या किया, जब बिल्ली घर में आई तब बिल्ली का बहुत अच्छे से ख्याल रखना उन्होंने शुरू कर दिया, क्योंकि बिल्ली उनका काम हल्का करने वाली थी, हल करने वाली थी। जो चूहे हैं उनको वो क्या, उसने क्या किया, भगाया। और बिल्ली को ज्यादातर चूहे ही खाने में अच्छे लगते हैं, इसीलिए जो लोग हैं वो क्या करते हैं, बिल्ली को अपने इसीलिए घर में लाके रखते हैं ताकि चूहे ना हो। अभी कुछ समय ऐसे ही बीत गया। कुछ समय बीत जाने के बाद अभी बिल्ली ने अपना रवैया शुरू किया। बिल्ली ने क्या किया, अभी परेशान करना शुरू किया, क्योंकि चूहे तो सब चले गए, मर गए, बिल्ली ने वो खा डाले थे। इसीलिए अब ये बिल्ली अब उस सदस्य को, परिवार वालों को तंग करने लगी। सब परिवार वाले अब बिल्ली से तंग आ चुके थे, उसे पीछा छुड़ाने की कोशिश में लगे रहते थे। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। अभी ये जो बिल्ली है, देखो उसे क्या किया, सब सफाया कर दिया चूहे का। अभी बिल्ली ने लोगों को परेशान करना शुरू किया। परिवार वाले एक दूसरे से बातचीत करते हुए क्या बोलते थे कि ये बिल्ली से तो अच्छा वो चूहे थे जो कम से कम अनाज या धान खाते थे, मगर हमें परेशान नहीं करते थे। ये जो बिल्ली है वो क्या करने लगी है, पहले जब बिल्ली घर में आई तब उसका रवैया जो है वो सबको अच्छा लगा था, क्योंकि बिल्ली जो है उसको अलग सा खाना नहीं बनाना पड़ता था। बिल्ली जो कुछ बचा कुचा जो झूठन खाना था वही खा लेती थी और अपना पेट भरती थी। इसीलिए सब सदस्य जो थे वो क्या थे, खुश थे, आनंदित थे। लेकिन जब से चूहे मर गए तब बिल्ली का रवैया जो है वो बदला हुआ सा नजर आया। बिल्ली भी अभी उन जो सदस्य वो सदस्यों के इर्द गिर्द घूमने लगी। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और हमें तंग भी करती है, उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। देखो हमेशा खाती रहती थी, हमेशा सदस्य के इर्द गिर्द घूमती रहती थी, परेशान कर दिया था। बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं जो शेर के काबू में नहीं आई, वह हमसे कैसे मार खा जाती। उसने भी अपना रवैया बदल लिया। रवैया मतलब प्रवृत्ति, रवैया। यहाँ रवैया का मतलब है प्रवृत्ति। अभी इसकी प्रवृत्ति भी आहिस्ता आहिस्ता बदलने लगी। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। देखो ये जो बिल्ली है अभी उसने परिवार वालों को परेशान करना शुरू कर दिया है। पहले क्या होता था, इर्द गिर्द घूमती रहती थी, अभी वो इर्द गिर्द घूमना उसने छोड़ दिया है। अब वो रसोई घर में धूम दबा कर वो चुपके से बैठ जाती थी। जब मौका लगता मजे से जो जी में आता खाती। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। देखो जो भी कुछ पका हुआ जो अनाज था रसोई में, कुछ ना कुछ ऐसे खाने की बहुत चीजें होती है, उन पर जो बिल्ली है वो टूट पड़ती थी, सब उसका सत्यानाश करती थी। और लोग बेचारे क्या करते थे, भूखे रहते थे, कभी कभार उनको खाना भी नसीब नहीं होता था। इसीलिए सब सदस्य बिल्ली के ऊपर बहुत गुस्सा थे। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। अभी सुबह का टाइम था। ये जो लेखक है राजेंद्र लाल हांडा, वो सुबह सुबह उठकर रसोई में गया, तब उसने क्या देखा कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था बिल्ली खूब मजे से खा रही थी। अभी जो रात को जो दही जमाया हुआ था
लोगों की आदत होती है बाहर का जो डेयरी का जो सामान होता है वो लाने के बजाय कई लोग ऐसे जो पदार्थ है वो घर में ही बनाने की कोशिश करते हैं। राजेंद्र लाल हंडा के परिवार में भी ऐसा ही कुछ करते थे। उन्होंने क्या किया था, रात को दही रखा था जमाने के लिए। अभी वो जमा हुआ दही दिल्ली ने क्या किया है, उसका सफाया कर दिया है। देखो परिवार वालों को वो दिल्ली कैसे लगने लगी, अभी चोर लगने लगी, क्योंकि ज्यादातर वो मनुष्य के इर्द गिर्द नहीं आते घूमने लगी, वो ज्यादातर कहाँ दिखाई देने लगी, रसोई घर में दिखाई देने लगी अपना पेट भरने के लिए। चोरी करते हुए दो तीन बार लेकर के परिवारों ने क्या किया था, उसको पकड़ लिया था। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। देखो अभी ये जो बिल्ली है वो घर में किस लिए लाए थे, लेकर अपना अपने घर में जो चूहे थे वो चूहों को भगाने के लिए वो बिल्ली लाया था। अभी बिल्ली ने क्या किया, चूहों का तो सफाया कर दिया, अभी उसको खाने के लिए तो बचा ही नहीं है, तो वो भी बेचारी क्या करती, अपना पेट पालने के लिए वो ज्यादातर रसोई में दिखाई देने लगी। सब लोग परिवार के अब क्या हो गए, चिंतित हो गए। मेरा नौकर बहुत होशियार है, अभी जो लेखक का नौकर है वो क्या है, दिमाग वाला है, होशियार है। रात को काम खत्म करके जाने से पहले उसने एक खाली बोरी के अंदर दो रोटियां डाल दी और चुपके से एक तरफ खड़ा होकर बिल्ली का इंतजार करने लगा। बिल्ली आई वह एकदम रोटियों पर झपटी। नौकर ने तुरंत बोरी का एक सिरा पकड़कर उसे ऊपर से बंद कर दिया। अभी ये जो समस्या थी कि बिल्ली हमेशा ही घर का नुकसान ही करती आ रही है, चूहे तो नुकसान कर ही रहे थे, बाद में चूहे मारे गए, चूहे खत्म होने लगे, अब किसका भय था, इस परिवार वालों को बिल्ली का, क्योंकि बिल्ली लाना उनकी मजबूरी थी, बिल्ली पालना उनका शौक नहीं था, अपने उपयोग के लिए अपने काम के लिए वो उन्होंने बिल्ली लाए थे। अभी बिल्ली ने इतना परेशान किया कि वो सदस्य थे हर बार कोशिश में लगे रहते थे कि बिल्ली को घर से बाहर कैसे किया जाए, उसे कैसे बताया जाए। तब ये जो समस्या है घर वालों की, वो उनका नौकर जो है वो महसूस करता था, देखता था कि बिल्ली से लोग कितने परेशान हो गए हैं। ये जो समस्याएं हैं वो हल करने के लिए उसका जो नौकर है लेखक का, उसने बड़ी बहुत मदद की। वो झट से तैयार हो गया उस बिल्ली को घर से बाहर निकालने के लिए। अभी उसने क्या किया, रात का समय था, रात के समय में उसने क्या किया, एक बड़ी सी बोरी ली, बोरी की मतलब गोली, वो बोरी ली, उस बोरी में दो रोटी डाल दी। अभी रोटियां डालने के बाद उसे पता है कि बिल्ली झपक कर उसके अंदर जाएगी और तब ये जो नौकर है वो उसे बांध कर रखेगा। ठीक उसी तरह उसने क्या किया, जब जैसे ही रोटियां डाली उस बोरी में, तब बिल्ली आकर उस बोरी में झपक कर छलांग मारी। वह लेकर वो जो नौकर था वो चुपचाप बाजू में खड़ा था, उसका इंतजार कर रहा था उस बिल्ली का। जैसे ही बिल्ली आई तब इस नौकर ने क्या किया, उस बोरी का वो झट से बांध लिया ताकि बोरी से वो बिल्ली बाहर ना आ सके। रस्सी के साथ बोरी का मुंह बांध दिया गया, क्योंकि अब रात के 10 बजे थे। अभी ये जो घटना हुई, मतलब बिल्ली को क्या किया, उस बोरी में बांध दिया, तब समय कौन सा था, रात का समय था, रात के 10 बज चुके थे। मैंने अपने नौकर अमरू को कहा कि सवेरे बिल्ली को कहीं दूर छोड़ा है जिससे वह इस घर में वापस ना आ सके। उसके नौकर का नाम क्या था, अमरू। अभी इस अमरू के साथ उसे बातचीत की कि इस बिल्ली को कहीं दूर जाके छोड़ के आए ताकि वो घर में वापस कभी ना आ सके। सब लोगों को चाय पिलाते पिलाते अमरू को अगले दिन 8 बज गए।
देखो अमरू का क्या काम था, वो घर का नौ करता, सब काम अमरू अकेला ही करता था। अब चाय पानी नाश्ता वगैरह होते होते सुबह के 8 बज गए। मैंने याद दिलाया, अभी लेखक ने याद दिलाया अमरू को कि उसे बिल्ली को भूली भटियारी की तरफ छोड़कर आना है। भूली भटियारी मतलब जहां से कोई वापस ना आ सके। लेखक ने क्या किया, उस बिल्ली से परेशान होके उसे छुटकारा पाने के लिए अमरू का साथ दिया, अमरू की मदद ली। अमरू भी उसे मदद करने के लिए तैयार हो गया। अभी अमरू को उसे क्या बोला कि इसको भूली भटियारी की जगह छोड़कर आए ताकि वो वापस कभी ना आए, ताकि हम चैन से जी सके। बोरी कंधे पर लटका अमरू चल दिया। देखो अब बारी है उस बिल्ली को बाहर ले जाने की। अमरू ने क्या किया, वो जो बोरी थी रात को जो बंधी हुई थी, जिसमें बिल्ली रखी हुई थी, बांधी गई थी, उस बोरी को अपने कंधे पर लटका अमरू अपने रास्ते निकल गया। बात आई गई हो गई, मैं हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया। हजामत का हजामत मतलब दाढ़ी, हजामत मतलब दाढ़ी। मैं हजामत और स्नान, स्नान मतलब नहाना, हजामत और स्नान आदि में व्यस्त हो गया क्योंकि 9:30 बजे दफ्तर जाना था। दफ्तर मतलब ऑफिस। अभी ये जो लेखक है वो उसने क्या किया, परेशानी घर से बाहर निकाली तो वो कैसा हो गया, खुश हो गया। अभी उसको सुबह 9:30 बजे ऑफिस भी जाना था, इसीलिए वो अपनी तैयारी में जुट गया। अभी स्नान करते करते वो गुसल खाने में, गुसल खाना मतलब बाथरूम, गुसल खाना, गुसल खाना मतलब गुसल खाना मतलब बाथरूम। गुसल खाने में मुझे जोर का शोर सुनाई दिया, मैं नहाने में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसीलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। अभी देखो वो ऑफिस के लिए जाने के लिए तैयार हो रहा था, पहले उसने शेव की, दाढ़ी की, बाद में वो नहाने के लिए बाथरूम गया। बाथरूम करते करते वो बाथरूम में नहाते नहाते वो क्या करने लगा, कुछ मन ही मन गाने गुनगुना रहा था। और बाथरूम के बाहर, गुसल खाने के बाहर उसे जोर जोर का शोर सुनने के लिए आया। उसने ज्यादातर ध्यान नहीं दिया, वो अपने में ही व्यस्त था, मग्न था, मन में व्यस्त था और कुछ गुनगुना रहा था, इसलिए मेरा ध्यान उधर नहीं गया। 2 मिनट के बाद ही फिर शोर हुआ। इस बार मैंने सुना कि मेरे घर के सामने कोई आवाज लगा रहा है, आपका नौकर पकड़ लिया गया है, अगर आप उसे छुड़ाना चाहते हैं तो छप्पर वाले कुएं पर पहुंचिए। अभी उसको जोर जोर से आवाजें आने लगी, शोर सुनाई दिया, कुछ लोग कह रहे हैं अगर आप अपने नौकर को बचाना चाहते हो, उसकी जान बचाना चाहते हो तो आपको तुरंत ही बाहर आना होगा छप्पर वाले कुएं के सामने। मैं हैरान हुआ कि क्या बात है। लेखक भी परेशान हुआ, वो सोचने लगा ऐसी क्या बात हो गई कि लोग बड़ा शोर करने लगे, पुकारने लगे, समझा शायद अमरू किसी की साइकिल से टकरा गया हो। अभी उसके दिमाग में ऐसी बात आ गई कि ये जो अमरू है वो किसी साइकिल से टकरा गया हो, शायद उस जगह झगड़ा हो गया हो, अमरू को किसने पीटा हो या बहुत सारा नुकसान हो गया हो, इसीलिए लोग उसके पीछे पीछे आ गए हो। ऐसे बहुत सारे प्रश्न लेखक के मन में उठे थे, शायद साइकिल वाले का कुछ नुकसान हो गया हो और उसने अमरू को धर पकड़ा हो। रही आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं और फिर करोलबाग में तो बहुत आसान है, जहाँ सैकड़ों आदमियों को पता ही नहीं कि वे किधर जाए और क्या करें। खैर उधर जा ही रहा था कि रास्ते में खाली बोरी
लड़का है अबरू आता हुआ दिखाई दिया। वह खूब खिलखिलाकर हंस रहा था। उसे डांटते हुए मैंने पूछा, अरे क्या बात हुई, तूने आज सुबह ही सुबह क्या गड़बड़ की जो इतना शोर मचा और मोहल्ले के लोग मुझे मारने को दौड़े। ये जो लेकर के अभी यहाँ एक वाक्य कहा गया है, आदमी इकट्ठे होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं। अभी ये जो वाक्य है वो इसीलिए लेखक के मुंह से निकला कि भारत के सभी महानगरों में दिल्ली मतलब आबादी के हिसाब में दिल्ली का दूसरा स्थान है। मतलब वहाँ यातायात की साधने या जो कंपनी है या पर्यटन है, ऐसे ही जो चीजें हैं उस चीजों में व्यक्ति आकर्षित हो रहे हैं और वहीं जाके बसने की कोशिश करते हैं। अभी ये जो दिल्ली है उसमें जगह छोटी छोटी है और लोग क्या करते हैं, जगह छोटी होने के बावजूद उनके यहाँ जो जनसंख्या है वो बहुत है, इसीलिए लोग क्या करते हैं, अपना गुजारा बसर करने के लिए, पेट पालने के लिए नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। और जब मतलब रास्ते में यहाँ वो भटकते हैं और जब कोई ऐसी घटना घटती है सड़कों पर, तो लोग क्या करते हैं, इकट्ठा होकर वो अपना समय व्यतीत करते हैं। इसीलिए यह बात कही है कि आदमी इकट्ठा होने की बात, यह काम दिल्ली में मुश्किल नहीं। आई बात समझ में, क्यों ऐसा कहा, क्योंकि महानगरों में दिल्ली की, हमारे भारत देश की महानगरों में दिल्ली का जनसंख्या के मामले में दूसरा स्थान है। जगह छोटी है और काम बहुत ही कम है, लोग इधर उधर घूमते रहते हैं। अभी ये जो लेखक है वो ऑफिस के लिए जाने के लिए बाहर पड़ा, बाहर जाते ही वो उसके दिमाग में कुछ न कुछ प्रश्न उमड़ रहे थे कि ऐसी कौन सी बात होगी जो अमरू के पीछे लोग पड़े हुए हैं, वो जोर जोर से शोर मचा रहे हैं, अमरू को मार डालेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लोग ऐसे बहुत सा शोर करते हुए उसे सुनाई दिया। और बाहर जाते ही कौन सामने दिखाई दिया, अमरू उसका नौकर। अभी ये जो अमरू है वो हंसते हंसते लेखक को अभी सामने दिखाई दिया। तब लेखक ने गुस्सा होके कुछ प्रश्न पूछे। प्रश्न क्या थे कि तुम सुबह सुबह इतनी मेरे घर में सामने लोगों ने शोर मचाया, बड़बड़ किया, तुमने कुछ किया तो नहीं, या किसी का कुछ तुम नुकसान करके आए हो? अभी अमरू को कुछ कहना ही नहीं पड़ा। देखो उसके पीछे कुछ आदमी आ रहे थे, उन्होंने मुझे सारा मामला समझा दिया। अभी लोग उसके पीछे क्यों पड़े थे ये तो अमरू ने नहीं कहा, सिर्फ वो खाली मुस्कुरा रहा था। लोग जो आए उसके पीछे पीछे, उससे पता चला लेखक को कि क्या बात है। असल में बात यह हुई कि जैसे अमरू कंधे पर बोरी लटकाए दिल्ली को बाहर छोड़ने जा रहा था, कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है। देखो अंदर क्या था बोरी में, जब बोरी निकल के अमरू बाहर निकल गया, घर से बाहर निकल गया उस बिल्ली को जंगल में छोड़ने के लिए, तब लोगों ने उसे देखा कि एक आदमी रास्ते से जा रहा है, उसके पीछे एक बोरी है और उस बोरी में एक बच्चा होगा, इसीलिए लोगों को क्या लगा कि ये बच्चा चोरने वाला एक चोर है, इसीलिए लोग उसके पीछे पड़े। कुछ लोगों को शक हुआ कि बोरी में बच्चा है, दो आदमी चुपके चुपके उसके पीछे हो लिए। देखो उसका पीछा करने के लिए अब लोग उसके पीछे पीछे चलने लगे। उन्होंने देखा कि बोरी अंदर से हिल रही है। अभी आपको पता है, मुझे पता है, उस लेखक को पता है, उस अमरू को पता है कि बोरी में क्या है, लेकिन लोगों को तो पता नहीं है कि उस बोरी में क्या है। बोरी में असल में क्या है, बिल्ली है, लेकिन लोग क्या समझते हैं, बोरी में बच्चा है। बस उन्हें विश्वास हो गया कि इस बदमाश ने किसी बच्चे को पकड़ा है। क्यों ऐसा लग रहा, क्योंकि बोरी जो है वो हिलने लगी थी, डुलने लगी थी,
बोरी में से कुछ ऐसी छोटी छोटी बिल्ली ऐसी आवाज भी कर रही थी, वो लोगों को सुनाई दिया। इसीलिए लोगों को क्या लगा कि ये जो है ये एक चोर है, बच्चा चुराने वाला चोर है। अमरू स्वभाव से अल्पभाषी है, अल्पभाषी मतलब कम बोलने वाले, अल्पभाषी अल्पभाषी मतलब कम बोलने वाले, अल्पभाषी मतलब कम बोलने वाले। अभी ये अमरू जो उसका नौकर है वो किस स्वभाव का है, उसका रवैया क्या है, अपने मालिक के प्रति, अपने मालिक के परिवार के प्रति उसका रवैया कैसा है, वो हम अगले पार्ट में देखेंगे। उसका जो भाग रहा है वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी तक जो हमने ये लेसन पढ़ा है वो उसका आप क्या करेंगे, उसके ऊपर जो प्रश्न है वो आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक दो बार अगर आप ये लेसन पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको ये समझ में आएगा। अभी ये जो मैंने शब्दार्थ दिए बोर्ड में वो आप अपने मन में लिख लीजिए। अभी उसका अगला भाग जो है हम जल्दी लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।